तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं, मेरा नाम महेंद्र है और मैं मुंबई में तो ओला उबर में गाड़ी चलाता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ओला उबर में चलाने के लिए एस्प्रेसो लेनी चाहिए या फिर वेगनर गाड़ी लेनी चाहिए। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे सपोर्ट किया, प्रोत्साहित किया और जल्दी से जो है अभी हमारा जो है 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। और चलिए अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एस्प्रेसो और वेगनर के बारे में। तो ये दोनों ही गाड़ियां जो है बहुत अच्छी है ओला उबर में चलाने के लिए। इन गाड़ियों का डिमांड जो है ओला उबर में बहुत ज़्यादा है। जब आप वेगनर या फिर एस्प्रेसो गाड़ी लेते हैं तो आपको जो है ट्रिप लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि मैं ये ट्रिप लूँ या ना लूँ। सिर्फ आपको किसी एरिया में नहीं जाना है तो ही आप जो है ट्रिप को अवॉइड कर सकते हैं या फिर रेट के मामले में जो है आपको सोचना नहीं पड़ता। आप अगर प्राइम गाड़ी लेते हो या फिर एक्सेल गाड़ी लेते हो तो आपको हर ट्रिप सोच समझ कर लेना पड़ती है। लेकिन आपके पास वेगनर या फिर सेलेरियो है तो आप पूरा दिन पूरा जम के जो है काम कर सकते हैं। तो एस्प्रेसो का प्राइस ऑन रोड अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली जो उसका 5.5 तक प्राइस है और वेगनर का देखेंगे तो ऑन रोड प्राइस जो है लगभग जो है 6.5 लाख तक आता है। तो 1-1 लाख का डिफरेंट है। लेकिन ओला उबर में दोनों को सेम रेट मिलता है। अगर आपका पर्पस सिर्फ ओला उबर में चलाना है तो आपको एस्प्रेसो गाड़ी लेनी चाहिए। गाड़ी बिल्कुल लगने में थोड़ी छोटी लगती है लेकिन अंदर से काफ़ी अच्छा स्पेस है और चलाने के लिए भी काफ़ी अच्छा है और एवरेज भी काफ़ी अच्छा देता है। वेगनर गाड़ी थोड़ी लुक के मामले में बहुत अच्छी लगती है। तो हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि मैं खुद गाड़ी ले रहा हूँ तो थोड़ी अच्छी गाड़ी दिखना भी चाहिए, जब मैं दो लोगों में लेकर जाऊँ तो गाड़ी थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए, ऐसा हम नॉर्मली सोचते हैं। तो ये हमारा माइंडसेट होता है, ये मेरा सोच है, आपका अलग भी हो सकता है, तो ऐसा नॉर्मली सोचते हैं। पर अगर हम ओला उबर के पर्पज से देखेंगे तो हमें एस्प्रेसो पे जाना चाहिए। 1 लाख कम में भी मिल रही है और गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है। मैंने कई सारे ड्राइवर भाइयों से बात भी की है, उन्होंने बताया कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है और कहाँ से भी निकल सकते हैं, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। वेगनर गाड़ी में भी कुछ कमी नहीं है, पर जो नई वेगनर आई है उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है और उसका जो है पार्ट्स भी जो है थोड़े थोड़े महंगे हैं। तो आप अपने हिसाब से देखकर तो दोनों में से कोई भी एक गाड़ी ले सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस है, बाकी सब काम करने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके समय तक अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए। और ओला उबर से रिलेटेड आप अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो जरूर से जो है तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।